हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉट वाला मतलब। तो पैच रोड आ गया, 400 MB का था एंड वी आर गेटिंग ए कैंग एस ए न्यू कैरेक्टर। गली में पैच रोड अपलोड किया। ओके, आज मैं बोलूँगा टोकन कैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल लूना स्नो का यूनिफॉर्म कैसा मिलेगा उसके बारे में बताऊँगा आज। बहुत सिंपल सा है एंड इट्स अ सीजनल यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म साल में एक बार आएगा, सेल में बार बार नहीं आएगा। नॉर्मली यूनिफॉर्म एवरी अपडेट के बाद सेल आता है, 40% डिस्काउंट अभी भी चालू है। लेकिन सम यूनिफॉर्म लाइक देखो, लूना स्नो स्टॉर्म सिल्क एंचांट्रेस का यूनिफॉर्म बार बार सेल में नहीं आएगा अभी ये साल के बाद, अभी ये टाइम के बाद। नेक्स्ट ईयर अगस्त में आएगा। तो समझ गए, ये चारों यूनिफॉर्म प्रीमियम यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। और भी चार यूनिफॉर्म है, वो भी सेल में है अभी। ऑल यूनिफॉर्म सेल है, लेकिन ये चार यूनिफॉर्म यूनिक यूनिफॉर्म सेल बोल लूँगा। फॉर एग्जाम्पल एंचांट्रेस का लेटेस्ट वाला नहीं, ये वाला लाइक इट्स अ प्रीमियम यूनिफॉर्म। इसके लिए देखो, इसमें दो टाइप का है। एक तो पैसा देके चार यूनिफॉर्म ले सकते हैं, एक तो फुल कॉस्ट क्रिस्टल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारा कैरेक्टर है, तो उसमें एक एक करके मैं चूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल केबल का यूनिफॉर्म है ना गाइस, वो प्रीमियम यूनिफॉर्म है। एंड आइसमैन कुछ यूनिफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। देखो आइसमैन का यूनिफॉर्म है ना, फुल क्रिस्टल देना पड़ेगा। अभी देखो पुराना वाला 40% डिस्काउंट सेल है, 1500 देंगे तो 40% डिस्काउंट होके 1500 क्रिस्टल देना पड़ेगा ओल्ड यूनिफॉर्म। लेकिन सीजनल यूनिफॉर्म के लिए ना आपको फुल कॉस्ट क्रिस्टल देना पड़ेगा, 1750 क्रिस्टल देना पड़ेगा। यस, तो ऐसा कुछ कैरेक्टर है। अभी आइसमैन का एग्जाम्पल हो गया, उसके बाद केबल है। एंड मैं केबल सर्च कर रहा हूँ, किधर गया केबल ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ फुल कॉस्ट क्रिस्टल है ना, तो थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। आई थिंक नीचे एक मिनट, मिल गया। ओके, केबल का यूनिफॉर्म, फॉर एग्जांपल दिस यूनिफॉर्म समर डे यूनिफॉर्म। लेकिन दिस यूनिफॉर्म परचेस करने का बोलूँगा तो मत करो, डोंट स्पेंड क्रिस्टल, वेस्ट। अभी मेटा नहीं है ये यूनिफॉर्म, जो भी बताया ना, फॉर एग्जांपल केबल, क्विकसिल्वर एंड उसके बाद आइसमैन। क्विकसिल्वर को भी आपको बता देता हूँ, इट्स अ प्रीमियम यूनिफॉर्म। क्विकसिल्वर में कैरेक्टर में जाके डायरेक्ट बताता हूँ, तो मुझे सिंपली आपको तुरंत बता सकता हूँ। एक देखो क्विकसिल्वर का लास्ट समर डे यूनिफॉर्म, इट्स अ समर डे यूनिफॉर्म। दिस यूनिफॉर्म एक तो पैसा देना पड़ेगा कुछ यूनिफॉर्म के लिए क्रिस्टल, फुल क्रिस्टल देना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल दिस 1750 क्रिस्टल देना पड़ेगा। तो मैं जो भी यूनिफॉर्म है ना, इसमें से सिर्फ दो ही यूनिफॉर्म यूजफुल है। ओके, दो यूनिफॉर्म यूजफुल रहेगा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से हाई वैल्यूएबल यूनिफॉर्म बोलूँगा तो स्टॉर्म का यूनिफॉर्म है गाइस। स्टॉर्म का मूवमेंट स्पीड कम है, लेकिन एज अ सपोर्ट DPS कैरेक्टर बहुत बेकार है। ऐसे सपोर्ट इज गुड, ऐसे DPS कैरेक्टर इज बेकार है, लेकिन इसका सपोर्ट पैसिव रियली गुड फॉर ABX CBL प्लेयर के लिए अच्छा है। तो पिकअप कर सकते हैं, बट रियल पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा लगेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। और टोकन कैसा मिलेगा, एक तो आपको टोटल 30 टोकन चाहिए। अभी आपको स्टॉर्म प्लस लूना स्नो दोनों को लेंगे तो आपको 60 टोकन चाहिए, लेकिन आपको एक हफ्ता वेट करेंगे ना, 10 टोकन फ्रीली मिलेगा। बीन चालू नहीं हो रहा है, आज रात को से चालू होगा उसका पहला। बाकी कैसा टोकन मिलेगा उसके लिए आपको पैक्स परचेस करना पड़ेगा, यस रियल मनी स्पेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको मिनिमम आई थिंक देखो दो बार ये चेस्ट परचेस करेंगे ना, हज़ार रुपया 20 टोकन मिलेगा प्लस चिकन इवन में से 10, टोटल एक यूनिफॉर्म पिकअप कर सकते हो। तो समझ गए, टोटल 2000 रुपीज़ लास्ट ईयर से दिस ईयर। अभी US करेंसी का रेट बढ़ गया है, उसके कारण बहुत रियली कॉस्टली है, लेकिन आपको मिनिमम 2000 स्पेंड करना पड़ेगा। 2000 स्पेंड करेंगे प्लस 10 टोकन चिकन विन में से लेंगे तो आपको 30 टोकन हो जाएगा। एंड आप परचेस कर सकते हैं लूना स्नो या तो स्टॉम, दोनों में से एक ही, लेकिन कोई एक ही परचेस कर सकते हैं। और भी चाहिए तो और भी पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब इंडियन करेंसी में एक टोकन इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अभी 30 टोकन के लिए 3000 से दो यूनिफॉर्म ले रहे हैं, टोटल 60 टोकन चाहिए तो 6000 स्पेंड करना पड़ेगा। सो डिपेंड्स ऑन यू, आपका पैसा है। मैं इनक्रेज नहीं कर रहा हूँ, इट्स आपका पैसा है, आपका मनी है, आप चाहे तो स्पेंड कर सकते हो या तो वेट कर सकते हो। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से सीजनल यूनिफॉर्म उतना ब्लॉकबस्टर नहीं है गाइस। कितना भी रहने दो, ये कैरेक्टर रहेगा ही तो गेम खेल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लाइक स्टॉर्म रहेगा ही, आपका स्टॉर्म का लेटेस्ट यूनिफॉर्म रहेगा या तभी खेल सकते हैं, नहीं गाइस। आप ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर रहेगा तभी आप मेटा है करके, ऐसा नहीं, स्किप कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन, मेरे हिसाब से मैं तो स्किप किया, मुझे मे बी यूजफुल रहेगा तो स्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा।
लगा. लाइक स्टॉर्म इज रियली गुड, बट स्टॉर्म छोड़ेंगे तो बहुत सारा सपोर्ट कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर नहीं है. व्हाइट फॉक्स है, वैल्करी है, सूरी है, बहुत सारे सपोर्ट कैरेक्टर है, ऐसा नहीं कि एक ही कैरेक्टर है. एंड अभी तक जितना भी सीजनल यूनिफॉर्म है ना, कोई भी ब्लॉकबस्टर नहीं है. एक ही यूनिफॉर्म ब्लॉकबस्टर हुआ बैक इन 2019, उसका यूनिफॉर्म मैं दिखा देता हूँ. लेकिन अभी वो भी परचेज मत करो, डेडपूल का हॉलीडे पार्टी करके एक यूनिफॉर्म था, रियली अच्छा था, बिकॉज ऑफ द ओनली वन थिंग, ऑल डिफेंस डाउन. तो अभी भी ऑल डिफेंस डाउन यूजफुल है, लेकिन पियर्स आने के बाद उतना यूजफुल नहीं है जितना तब 2019-18 में था. तो स्किल नंबर 5 इंस्टेंट कैंसल 4 करेंगे ना, 80% इग्नोर, एक मिनट रुको, इसमें रहेगा ऑल डिफेंस डाउन. स्किल नंबर 5 इंस्टेंट कैंसल 4, तो 55% ऑल डिफेंस डाउन होगा. यस, 80 स्टैक अप टू डिक्रीज ऑल बेसिक डिफेंस बाई स्टैक अप टू 80% प्लस 50% 100% ऑल डिफेंस डाउन होगा तो हाई डैमेज होगा इन वर्ल्ड बॉस में. वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में अप्लाई नहीं होगा. ओके, तो बोर्ड बदल गया लाइक 2018-19-20 के बाद पियर्स आ गया, रिफोर्स सिटी भी. तो तभी का टाइम पे मैं परचेस किया, फुल कॉस्ट क्रिस्टल दिया था, फुल कॉस्ट क्रिस्टल 1750 क्रिस्टल देख के परचेस किया. लेकिन अभी का टाइम पे वो भी स्किप, मतलब यूजफुल नहीं है गाइस. तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपका पैसा रहेगा, आपका पैसा ज़्यादा है तो स्पेंड कर सकते हो, नहीं मुझे गेम नॉर्मली फ्री टू प्लेयर नॉर्मल इन्जॉयबल करने का तो आप स्किप कर सकते हैं. एंड लूना शो को यूनिफॉर्म परचेस करने का नहीं करने का मैं बताऊंगा, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा. तो आज के वीडियो में बस इतना है गाइस, आपको समझ गया कितना टोकन स्पेंड करना पड़ेगा, कितना मिनिमम चाहिए, कैसा मिलेगा टोकन. तो बस इतना है गाइस, मेरा पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.